बस यही आपके दरमियान में
अपील लेकर आया हूं कि आज इस जमहूरियत के जश्न में हमको ज्यादा से ज्यादा अपने वोट के इस्तेमाल को करना लाजिम व जरूरी है। जितनी ज्यादा हमारी पोलिंग परसेंटेज होगी उतनी ही बड़ी हमारी कामयाबी होगी। बेशक आप लोगों ने मुसलसल 15-20 दिन से जलसों में, जुलूसों में, दौरों में, मीटिंगों में शिरकत कर रहे हैं, काफी मेहनत की, लेकिन याद रखिए असल मेहनत का दिन 20 तारीख का दिन है। अगर उस दिन हम गाफिल रहेंगे, गफलत का शिकार रहेंगे और फिर ये कहेंगे कि ठीक है जाएंगे वोट डालेंगे, हाँ थोड़ी देर से जाएंगे, सबसे पहले अपना ये जिम्मेदारी जो वोट डालने की है अलग सुबह फजर की नमाज को अदा करिए और पोलिंग बूथ में खतारों में खड़े हो जाइए, अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मिल कीजिए और उसके बाद आके घर में आराम कीजिए। और एक अहम बात कि आज आपकी मोहब्बत, आपकी यहां पे मौजूदगी, आम खास मैदान का जलसा और फिर आज का ये वालेहाना जो पदयात्रा थी लेकिन एक जुलूस का शक्ल अख्तियार करी, इसको देखकर हमारे दुश्मन जरूर नए नए साजिशें और मंसूबे बनाएंगे। और सबसे पहला मंसूबा उनका क्या होगा कि आपको छेड़ो, आपको गाली दो या आपके लीडरों को बुरा बोलो, तो आप जज्बात में आ जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे और हमारे लीडर को बोले, हमारी जमात को बोले, मुझे बोल रहा बोलकर आप गुस्से में जाएंगे, वो लड़ेंगे और उसके बाद क्या होगा, हमारी पोलिंग मुतासर होगी, हमारी पोलिंग मुतासर होगी। जिसको जो बोलना है बोलने दो, 20 तारीख के दिन जिसको बड़ा पहलवान बनना है बनने दो, बड़ा हिम्मत वाला बनना है बनने दो, इंशाल्लाह ताला 5 बजे के बाद मजलिस क्या है हम क्या है कब बताएं। याद रखो हम कमजोर नहीं है लेकिन हम अपने पसंद के मुकाम पे अपने पसंद के वक्त में लड़ेंगे। मुकाम भी हम तय करेंगे, वक्त भी हम तय करेंगे। जाल में मत फंसो, खुदारा मेरी बात को समझो। ये लोग की कोशिश रहेगी कि 10-20 लोगों को नारे लगाएं और मुझे इत्तलात है और मैं अपनी इत्तलात पुलिस के साथ भी शेयर कर रहा हूं, किसी का नाम लेना नहीं चाहता। बाद गुंडों ने बाहर से और अपने गुंडों की फौज को बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि सिर्फ गड़बड़ करो और पोलिंग को स्लो करो। देखिए ताकतवर और चालाक इंसान कौन होता है, वो होता है जो जाल को तोड़कर निकल जाता है। जज्बाती और गुस्से वाला शख्स जाल में फंस जाता है। देखिए याद रखिए मकड़ी का जाला जाला है जरूर, चाहे तो उसको हटा के भी जा सकते हो। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि सब्र का मुजाहरा कीजिए,
अल्लाह की जात पे कामिल यकीन रखिए, अल्लाह जरूर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाबी देगा, साहब को भी कामयाबी देगा, इंतिया जलील साहब को भी कामयाबी देगा। और अल्लाह ने हमको मौका दिया है कि हम पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो हमारी शिकस्त हुई थी, ये मौका है उस शिकस्त का हमको मुनज़्ज़म मुत्तहिद रहते हुए इस जीत के जरिए और मजलिस के कामयाबी के जरिए हम इम्तियाज जलील को भारी अक्सरियत से कामयाब करना, नासिर सिद्दीकी साहब को भी कामयाब करना। मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि अपने घर में अपने बुजुर्गों को ले जाकर वोट डालें। मैं बुजुर्गों से अपील करूंगा कि अपने घर के खवातीन को बोलें और नौजवानों को बोलकर अपना वोट डालें। आपसे मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, आप तमाम का ममनून हो, मशकूर हो कि आप तमाम ने 2 बजे से लेकर अब तक मुसलसल हमारे साथ चलते रहे और आवाम से इस मुलाकात के प्रोग्राम को कामयाब किया। मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर इम्तियाज जलील साहब का जो इस इंतखाब में मजलिस के उम्मीदवार भी हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, नासिर सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, समीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे हैदराबाद से आए जिम्मेदार मुश्ताक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मंजूर साहब हैदराबाद की थी और हमारे कॉरपोरेटर यहाँ के आपके शहर के पूरे जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखसूस मैं आपके शहर के बुजुर्गों का, नौजवानों का, पर्दानशीन माँ और बहनों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी दुआएं थी, आपका तावन था, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने बड़े ही पुरमन अंदाज में अपने इंतखाबी सरगर्मियों को इख्तिताम के मनाज़िर में ले जा रहे हैं और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह तू मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाबी और कामरानी, अल्लाह तो इम्तियाज जलील साहब को भारी अक्सरियत से कामयाबी और कामरानी अता, अल्लाह तो नासिर सिद्दीकी साहब को भारी अक्सरियत से कामयाबी और कामरानी अता, अल्लाह हमारे सारे भाइयों के दिलों में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए और मोहब्बत डाल, ऐ अल्लाह इस शहर के रहने वाले बसने वाले लोगों के दिलों में मजलिस की मोहब्बत डाल और 20 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाबी व कामरानी अता करना। ऐ अल्लाह हमने अपने काम से, अपनी जबान से, अपने अमल से हर एक को जीतने की कोशिश की और बिलखसूस जो हमारे अपने भाई जो हमसे किसी वजह से नाराज हैं, दूर हैं, उनको भी हम अपने करीब लाने की भरपूर कोशिश करे हैं मौला। ऐ अल्लाह इस कोशिश के बावजूद भी अगर किसी वजह से वो नाराज है तो ऐ मौला इनके दिलों में तू मोहब्बत डाल ले और दूरियों का खात्मा कर दे, हमारे करीब ला दे। ऐ अल्लाह हम सबको एक बना, नेक बना और हमको कामयाबी और कामरानी अता करना। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का निशान इंशाल्लाह 20 तारीख के दिन सबसे पहले फजर की नमाज, दुआ और उसके बाद में